सुप्रभात मित्रों, नमस्कार। समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 नवंबर है और हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान बना था और इसी संविधान के मंदिर संसद भवन में शीत सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, इसकी जानकारी आज के समाचार पत्र दे रहे हैं। अमेरिकी अदालत में उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगने के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को जो शुरुआत हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान स्वस्थ चर्चा में भाग लेने के आह्वान करने की खबर भी आज के समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा ने एक बड़ा प्रश्न आज के समाज के सामने खड़ा किया है कि देश में ऐसी सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है जो कानून व्यवस्था से ऊपर खड़ी दिख रही है, जिसको कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे में देश के नागरिकों के बीच एक भय और संशय का माहौल पैदा हो रहा है, जिसको लेकर देश की कानून व्यवस्था कि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनको देश के नागरिकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ऐसे दंगाइयों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को बल मिल रहा है और यही आज का सार है। इसी सार के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।